हेलो क्लास एट, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कंप्यूटर में चैप्टर सेकेंड हमारा का चल रहा था। चैप्टर सेकेंड में इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेस 2013, इसमें इंट्रोडक्शन एंड डीबीएस एंड डेटाबेस सेस हो गया था। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस भी पढ़ चुके थे आप, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 के बारे में भी मैंने बताया था आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इन एम एस एक्सेस, इनके क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, एम एस एक्सेस में क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं? तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एम एस एक्सेस आर डिस्कस्ड बिलो। टेबल, टेबल मेन ऑब्जेक्ट है, टेबल। ठीक है, ये टेबल क्या है? टेबल क्या होता है? टेबल जो होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है टेबल। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, एम एस एक्सेस में डेटा को फीड करते हैं, डेटा को रखते हैं, कोई भी लिखेंगे आप टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो टेबल क्या है? रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, और इसी में हम लोग डेटा को लिखते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टेबल इज एक्सेस आर आल्सो नोन एज अ रिलेशन। तो रिलेशन, एक सेल से दूसरे सेल का रिलेशन, या एक टेबल से दूसरे टेबल का रिलेशन। ठीक है, द डेटा स्टोर्ड यूजिंग टेबल इन इज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम जो होता है, कॉलम रो, सॉरी रो कॉलम और ये रो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें होता है। ठीक, आप इसमें आपका सेकेंड है, तो टेबल आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड हमारा है क्योरी। ठीक है, सेकेंड हमारा है क्या? क्योरीज। क्योरीज क्या होता है? देखिए, क्योरीज क्या है? द क्योरीज आर यूज टू फाइंड एंड वर्क ऑन द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल एज पर द कंडीशन स्पेसिफाइड द यूजर। क्या है द क्यूरी? द क्यूरीज आर यूज टू फाइंड एंड वर्क ऑन द डेटा। वर्क करते हैं टेबल पर, क्यूरी के द्वारा। ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, क्या एक्सेस करना है। ठीक है, हमने टेबल बना के रखा, उसमें हमने मान लीजिए स्कूल के बारे में लिख कर रखा है, तो हमें कौन सा डेटा कब चाहिए, ये क्यूरीज हम टेबल के द्वारा ले सकते हैं। वन आर मोर टेबल एज पर द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द यूजर। जो भी कंडीशन चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर डेटा फीड करके रखा है, हमें आज में हमने कई नंबर डाल के रखे हैं, तो हमें किस कॉलम का किस रो का डेटा चाहिए, तो वो हम क्यूरीज के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड है इसमें आपका फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स क्या है? द फॉर्म्स इन एक्सेस प्रोवाइड एंड इंटरफेस फॉर यूजर। ठीक है, दैट लेट देम एंटर एंड चेंज द डेटा इन द टेबल। तो एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है किसको? यूजर को। यूजर कौन होता है? यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कि वो क्या कर सके, डेटा को एंटर कर सके या चेंज कर सके, यानी कुछ इसका लिख सके या मॉडिफाई कर सके। तो ये फॉर्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें? रिपोर्ट। हमारा रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट्स देखिए, द यूज ऑफ रिपोर्ट इन एक्सेस टू डिस्प्ले द डेटा स्टोर्ड इन फॉर्मेट दैट इज प्रोफेशनल सो दैट इट कैन बी प्रिंटेड। हम रिपोर्ट्स के द्वारा ये पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे कौन से फॉर्मेट में डेटा है, और इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा प्रिंटेड जो हार्ड कॉपी निकल के उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, तो ये हमारा रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये चारों आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे है स्टार्टिंग एम एस एक्सेस, कैसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, ये आपका कंप्यूटर है, स्क्रीन, यहाँ पर बटन होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग एक्सेस इज वेरी इजी, लेट लर्न दिस स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं कंप्यूटर में, जैसा कि आप जानते हैं स्टेप वन में क्या है, स्टार्ट बटन यहाँ पर होता है, क्लिक करेंगे उसको, फिर क्या कहा जाएंगे, क्लिक ऑल प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम
का एक्सेस 2013 ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, तो उसमें हम लोग क्या चुनेंगे, एमएस एक्सेस ठीक है। फिर इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का विंडो जो है वो हमारे सामने अपीयर होकर आएगा, दिखने लगेगा ठीक है। तो ये तो स्टार्ट करने का सिंपल सा तरीका था। चलिए बार बार आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिएटिंग डेटाबेस, मेन चीज है आपका डेटाबेस को क्रिएट कैसे करें ठीक है। क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, बनाए कैसे उसको, तो पहले आपके बुक में है आप देखेंगे तो इसमें कई तरह के दिए हुए हैं, कई तरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं जिसमें से आपको जो सुटेबल लगे वो चूज कर सकते हैं। पर कॉमनली क्या लेते हैं, ब्लैंक, जिससे आपको खुद कुछ बनाना है तो ठीक है। तो इसमें दिया है फॉलोइंग ऑप्शन, एक्सेस अलाउ यू टू क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने, डेटाबेस मतलब डेटा को जहाँ रखना है ठीक है, उसको क्रिएट करने के लिए पहले ब्लैंक डेटाबेस है। ब्लैंक डेटाबेस मतलब ब्लैंक डेटाबेस मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस ठीक है, न्यू डेटाबेस ऑल्टुगेदर, यानी आप अगर आपको कुछ अपने से बनाना है तो उसके लिए आप ब्लैंक लेंगे, अगर आपको प्री डिफाइंड चाहिए यानी जो बना बनाया रखा हुआ तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन इसमें है ठीक है। फिर एक इंस्टॉल टेम्पलेट, टेम्पलेट कैसे इंस्टॉल करेंगे, टेम्पलेट फॉर्मेट होता है अलग अलग तरह के, इंस्टॉल टेम्पलेट्स आर प्री इंस्टॉल टेम्पलेट दैट आर ऑलरेडी ऑन एमएस एक्सेस ठीक है। इसके बाद है कंप्लीट एप्लीकेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दीज प्री इंस्टॉल टेम्पलेट्स, क्वेरीज, टेबल्स, रिपोर्ट्स एंड टेबल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दीज टेम्पलेट्स, सो यू कैन स्टार्ट वर्क राइट अवे टू क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, स्टेप रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड आर गिवन स्टेप ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है जिससे कि आप एक डेटाबेस को क्रिएट कर सके, किसमें, एमएस एक्सेस में ठीक है। आप क्या करेंगे, स्टेप वन में ऑन द एक्सेस 2013 स्टार्ट स्क्रीन अ लिस्ट टेम्पलेट्स अपीयर, यू कैन सर्च फॉर अ पर्टिकुलर टेम्पलेट, आपको क्या चूज करना है, पर्टिकुलर टेम्पलेट चूज करना है, आपको क्या लेना है, ब्लैंक ठीक है, ब्लैंक डेटाबेस चूज करना है। स्टेप सेकेंड में हमारा है सेलेक्ट द डेस्कटॉप पर्सनल कंटेंट टेम्पलेट, डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पलेट एंड आस्क यू टू एंटर द नेम ऑफ द डेटाबेस फाइल नेम, यू कैन एंटर यूज द डिफॉल्ट लोकेशन दैट एक्सेस सोर्स बिलो द फाइल नेम बॉक्स क्लिक्स ऑफ फोल्डर आइकॉन टू सेलेक्ट अनदर लोकेशन, मतलब इस तरह से आपके सामने विंडोज खुल के आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा, डेटाबेस लिखा रहेगा ऊपर और फाइल नेम लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, फाइल का नेम ठीक है, फाइल नेम लिखा रहेगा, उसमें फोल्डर भी बना रहेगा जहाँ से आप क्लिक करके दूसरी जगह पर इसको सेव कर सकते हैं, जा सकते हैं ठीक है। फाइल नेम में डेटाबेस प्री डिफाइंड जो लिखा रहता है, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अलग से ठीक है। अब स्टेप थ्री में हमारा क्या रहेगा, क्लिक क्रिएट, क्रिएट क्यों करेंगे, क्रिएट इसलिए करेंगे कि हम लोग क्रिएट करें, बना रहे हैं डेटाबेस ठीक है, तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आपके विंडो पर रहता है ठीक है, वहाँ दिखेगा क्रिएट, तो उसी पे आपको क्लिक करना है। एक्सेस क्रिएट द डेटाबेस एंड डिस्प्ले द टेबल इन द डेटा सीट व्यू, द व्यू इज यूज टू एंटर डेटा इन टू ऑन एक्सेस टेबल, नेविगेशन के डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्टेप फोर में क्या करना है आपको, एज यू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन अ ब्लैंक डेटाबेस विल बी क्रिएटेड, द नेम बाय डिफॉल्ट ऑन दिस डेटाबेस विल बी टेबल वन, यानी जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेटाबेस आप बना रहे तो वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्रिएट होगा, टेबल क्रिएट होगा जिसे लिखा जिसमें नाम उसका रहेगा टेबल वन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रहता है ठीक है। तो इस तरह से आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद, उसमें उसके बाद आप अलग अलग तरह से एंट्री कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद आपका है एक्सेस विंडो कंपोनेंट, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक्सेस विंडो
कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट उसके क्या है, एक्सेस के कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट पार्ट्स इन इन एन एक्सेस विंडो विच बी विल लर्न अबाउट नाउ। ठीक है, तो इससे क्या है, टाइटल बार, जैसा कि आप जानते हैं टाइटल बार होता क्या है, टाइटल बार होता है किसी भी टाइटल को, यानी नाम उसका जो मेन नाम होता है। ठीक है, इसके बाद है टाइटल बार के बाद, टाइटल बार, द टाइटल बार कैन बी फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो एंड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस ऑन विच यू आर वर्किंग। ठीक है, तो टाइटल कहाँ पर होगा आपका, टाइटल मेन जगह पर होता है, कहाँ पर होता है, मेन जहाँ पर टॉप पर होता है टाइटल, यानी क्या टाइटल डालना है वो ऊपर लिखा रहता है, दिखता रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका है क्विक एक्सेस टूल बार, जैसा कि इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, जल्दी से इसको काम में लाया जा सकता है, टूल बार है। ठीक है, तो इसमें द क्विक एक्सेस टूल बार कैन बी फाउंड ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो द फॉलोइंग बटन्स एंड कमांड्स कैन बी फाउंड देयर। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक कॉर्नर पर होता है एक्सेस टूल बार, क्यों क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें कई ऑप्शन होते हैं जिसका यूज करके हम लोग जो काम मतलब कि कमांड देने से देरी से होता है वो जल्दी हो जाएगा इसमें। ठीक है, माउस के द्वारा पहला है इसमें सेव बटन, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग जब कुछ बनाते हैं कंप्यूटर में तो उसको सेव करना होता है। ठीक है, तो इसमें सेव बटन में दिस बटन इज यूज टू सेव योर वर्क, तो आपने काम किया उसको सेव करने के लिए सेव का बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव हो जाएगा। दूसरा है अंडू बटन, दिस बटन इज यूज टू अंडू एंड टेक अ बैक प्रीवियस एक्शन, यानी जो आपने अंडो का मतलब होता है जो आपने डिलीट कर दिया गलती से उसे आप वापस लेना चाहते हैं तो इसको अंडो कमांड यूज कर सकते हैं। रीडू, दिस बटन इज यूज टू रीडू द एक्शन दैट वाज अनडन। ठीक है, रीडू कर सकते हैं। और उसके बाद यू कैन कस्टमाइज द टूल बार एंड ऐड मोर बटन्स टू इट एट द सेम टाइम, आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग किस तरह से आपको इसको रखना है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। उसके बाद रिबन होता है, ठीक है, फीता जिसे बोलते हैं। देर आर द मैनी टैब्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द रिबन ईच हैविंग सेवरल अदर रोल्स ऑफ कमांड, सम देम विल बी ओनली अपीयर व्हेन यू वर्किंग ऑन क्रिएशन ऑब्जेक्ट, दीज टैब्स आर रिफर्ड टू द कॉन्टेक्स्चुअल टैब्स। मतलब ये रिबन होता है जिसमें कि अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, कुछ एक्टिव रहते हैं और कुछ डी एक्टिव रहते हैं, कुछ जैसे आप वर्क करने लगेंगे तब एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी आप यूज़ करेंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो यूज़ करेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से पता चलेगा। अब एक और है आपके इसमें नेविगेशन पेन, इसके बाद स्टेटस बार भी है। तो नेविगेशन पेन में द नेम्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इन डेटा बेस आर डिस्प्लेड बाय द नेविगेशन पेन, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो आपके नेविगेशन पेन पेन पे शो होता रहता है। ठीक है, द ग्रुपिंग ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज ऑन द बेसिक ऑफ दियर टाइप्स, किस किस तरह के टाइप्स है उसके, और क्या कह रहा है, डबल क्लिकिंग ऑन द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द नेविगेशन पेन विल बी ओपन, डबल क्लिक करके आप उस ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकते हैं। फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन यू कैन राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म द फंक्शन दैट यू वांट, फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीनेम एंड डिलीट ऑब्जेक्ट, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के और रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक और स्टेटस बार, स्टेटस बार होता क्या, स्टेटस बार स्थिति दिखाती है कि कौन सा चीज़ ओपन है इस समय और कौन सी चीज़ क्लोज है, मतलब जो ओपन रहेगा उसको शो करेगा। ठीक है, कहाँ पर होता है, बॉटम पर होता है, स्क्रीन के बॉटम पर स्टेटस बार होता है। ठीक है, टॉप पर हमारा क्या होता है, टाइटल बार, और हमारा बॉटम पर क्या होता है, स्टेटस बार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो यू विल फाइंड दैट स्टेटस बार, मैंने बताया अभी, देयर आर फोर व्यूज बटन्स ऑन द डेटा शीट, व्यू डिजाइन, व्यू पिवट टेबल्स, व्यू पिवट चार्ट व्यू, दीज बटन आर प्रेजेंटेड ऑन साइड ऑफ द स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में इस तरह के चार बटन्स होते हैं, कहाँ पर होता है, बॉटम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्टेटस बार भी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप इसको वीडियो देखिएगा, इसको
नहीं समझ में आता तो बैक करके देखिएगा, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ सके। और फिर इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो, कीप स्टडी, स्टे होम। थैंक यू।